तो कोरोना का खौफ देश के मंदिरों में भी देखने को मिल रहा है। भक्त मंदिरों में मास्क लगाकर पहुंच रहे हैं। शिरडी साई के दर्शन को जो भक्त पहुंचे उन्होंने मास्क का इस्तेमाल किया, तो तिरुपति बालाजी में विदेशी भक्त नमस्ते करते हुए नजर आए। भारत के उन मंदिरों की तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां हर दिनों हजारों लाखों की संख्या में पहुंचते हैं श्रद्धालु। लेकिन बीते दिनों बढ़ते कोरोना के प्रकोप ने लोगों को इन मंदिरों में कुछ इस तरह आने पर मजबूर कर दिया है। यानी कोई मास्क पहनकर पहुंच रहा है तो कोई हाथ मिलाने से कतरा रहा है। सबसे पहले जरा शिरडी के साई सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की तस्वीरें देखिए। शिरडी में प्रतिदिन देश विदेश से लाखों भक्त आते रहते हैं। 70 से भी अधिक देशों से यहाँ भक्त आते हैं। ऐसे में शिरडी ट्रस्ट के अस्पताल के डॉक्टर्स को सतर्क रहने को कहा गया है। हालांकि शिरडी में ऐसा कोई पेशेंट सामने नहीं आया। सावधानी के तौर पर सतर्कता के आदेश दिए गए हैं। देखिए, साई भक्त देश विदेश में से आते हैं, उसके लिए हमारे पास दो हॉस्पिटल्स है, जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है उसमें हमें एक वार्ड रखने के लिए कहा गया है। मेरे डॉक्टरों से बात हुई है और इस संबंध में जो भी उपाय योजना करना है वो हम विदेश से करेंगे। वहीं कोरोना वायरस की खबरों के चलते सावधानी के तौर पर शिरडी के मंदिर में कुछ भक्त मास्क लगाकर दर्शन की कतार पर खड़े दिखे। साई भक्तों ने कहा कि एहतियातन उन्होंने मास्क पहना है। फॉर खुद की सेफ्टी के लिए प्रिकॉशंस, आजकल जो चल रहा है कोरोना की वजह से, डर नहीं है लेकिन अपन अपनी सेफ्टी रखनी चाहिए, उसके लिए हमने लगाया। मेरा नाम गंगाधर है, मैं हैदराबाद से आया हूँ। अभी आरती अटेंड करके अभी बाहर आए हैं। तो ये कोरोना वायरस का जो है ना, इसका प्रिकॉशन के लिए मैं मास्क पहना है। अब देश के दूसरे हिस्से से जो तस्वीर आई है वो तिरुपति बालाजी मंदिर की है। यहाँ भी हाल कुछ कुछ शिरडी जैसा ही है। यहाँ भी कोरोना का खौफ फैला हुआ है। भारतीय लोग विदेशी पर्यटकों से हाथ मिलाने जा रहे हैं तो विदेशी पर्यटक उन्हें नमस्ते कहकर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। यहाँ पहुंची ये महिला पीएम मोदी के कोरोना के खिलाफ लिए गए फैसले की तारीफ कर रही हैं। मोदी जी जैसा बोलते हैं वैसे करने से बहुत अच्छा है। बहुत लोग मर रहे हैं, उनका भी दुख देखना पड़ता है, इसीलिए ये होली खेलना थोड़ा अच्छा नहीं है। वहीं स्थानीय डॉक्टर ये कहते हुए मास्क के साथ आए हैं कि तेलंगाना में कोरोना वायरस है तो आसपास भी होगा और ये जानलेवा भी हो सकता है। हम लोगों ने इसलिए मास्क पहना था, सुबह हमने न्यूज पढ़ा था तो उसमें देखा था हमने कि तेलंगाना में कोरोना वायरस है तो इसीलिए हम लोग मास्क पहन के आए थे, पर यहाँ की साफ सफाई देख के तो हमें नहीं लगता है किसी को मास्क पहनना है। इन सबसे इतर मथुरा के इस्कॉन मंदिर यानी कान्हा की भक्ति पर भी कोरोना का असर पड़ा है। कई कार्यक्रम रद्द किए जा चुके हैं। इस्कॉन मंदिर में विदेशों से आने वाले भक्तों पर रोक लग चुकी है। आगामी 2 महीनों तक विदेशी भक्तों के आगमन पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। माफ कीजिएगा। अयोध्या में कोरोना वायरस को हराने के लिए पूजा पाठ का सहारा लिया जा रहा है। 108 ज्योतिर्लिंग नागेश्वर नाथ मंदिर में 27 दिवसीय रोगनाशक आयुवर्धक महामृत्युंजय जाप यज्ञ की शुरुआत की गई। ये यज्ञ खास नीम की जड़ी से किया जा रहा है। संतों का ये मानना है कि यज्ञ के माध्यम से वातावरण को शुद्ध किया जा सकता है। तो अपने अपने उपाय और हर तरह से मात देने की कोशिश कोरोना को लेकर, लेकिन जी न्यूज बार बार आपसे कहता है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सतर्क रहिए, अपना ख्याल रखिए। एक छोटा सा ब्रेक यहां ले रहे हैं, मॉर्निंग जी जारी रहेगा, फौरन लौटेंगे।